दोस्तों मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भागलपुर एयरपोर्ट के बारे में यदि आप सबको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे यह वीडियो 10 मिनट की हो 9 मिनट की हो, इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा सुनना। इससे सिर्फ भागलपुर एयरपोर्ट नहीं, आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि आपको अभी तक पता नहीं थी, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, कुछ मेरे जो नाजायज़ औलाद हैं ट्विटर वाले, तुम लोग भी बेटा आमंत्रित हो, पूरा वीडियो देखना। और बाकी तो अपने जीजा पे भरोसा रखो। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसी हिपोक्रेसी के बारे में जिसको जानने के बाद आप लोग भी एकदम अचंभित हो जाएंगे। जो लोग कुछ मैथिल्स हैं जो कि भागलपुर एयरपोर्ट के ख़िलाफ़ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़िलाफ़ में है भागलपुर एयरपोर्ट के तो मैथिल्स ही है। और कुछ लोग ट्विटर पे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे थे कि भाई ये मैथिल वाले अंग प्रदेश को अपना बताते हैं, लेकिन भागलपुर एयरपोर्ट की जब बात आई तो ये लोग सारे चुप हो गए, इन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप लोग गलत हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अंग प्रदेश एक अलग क्षेत्र है जिसका भाषा अंगिका है। मिथिला या मैथिली से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने यदि भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर ट्वीट नहीं किया तो इसमें उनकी कोई गलती है ही नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम लोग जो अंग प्रदेश वाले हैं, हम लोग कहाँ IVR इन मैथिली या फिर मिथिला कॉलिंग और दरभंगा AMC इन सब चीज़ों को कहाँ कभी ट्वीट करते हैं? नहीं करते, हमें कोई घंटा मतलब नहीं है उन लोगों से। दूसरी बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए भागलपुर में एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देवघर एयरपोर्ट वहाँ से नज़दीक ही है, कोई ऐसी बात है नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसा रोड नहीं बना हुआ है भागलपुर और देवघर के बीच में कि यहाँ पे आप 120 किलोमीटर को आप 2 घंटे में तय कर लीजिए, 2 घंटे भी बहुत होते हैं। दूसरी बात, रोड बहुत ख़राब है भागलपुर देवघर के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर से भागलपुर का क्या ताल्लुक है? देवघर झारखंड ज़िले में पड़ता है, भागलपुर बिहार में पड़ता है। जब हम लोगों को झारखंड के भरोसे ही रहना है तो फिर बिहार सरकार फिर क्यों भागलपुर और समूचे अंग प्रदेश से टैक्स ले? फिर अंग प्रदेश से टैक्स लेना बंद कर दे, अंग प्रदेश का पैसा अंग प्रदेश में ही रहे और अंग प्रदेश के लोग खुद ही भागलपुर एयरपोर्ट बना लेंगे। सबसे बड़ी तीसरी हिपोक्रेसी कि सारे मैथिल मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि दरभंगा और मुजफ्फरपुर झाटबड़ के दूरी पर है दोनों। सबसे बड़ी बात कि ये दोनों मतलब कि एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब दरभंगा में एयरपोर्ट है ही तो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि मुजफ्फरपुर को ही एयरपोर्ट मिलना था, दरभंगा को एयरपोर्ट डिज़र्व करता ही नहीं था दरभंगा एयरपोर्ट। लेकिन चूँकि यहाँ पे दरभंगिया लोगों ने समझा कि यदि मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मिल गया तो दरभंगा को फिर मिलना नामुमकिन हो जाएगा लगभग, तो उन्होंने पहले ही दांव चल दिया और दरभंगा एयरपोर्ट बनवा लिया। और दरभंगा एयरपोर्ट की आज ये स्थिति है कि पहले 20 उड़ानें चला करती थी, 20 उड़ानें भरती थी, आज उसे घटा घटा करके 8 कर दिया गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले महीने के मार्च तक में इसे 0 या फिर 1-2 पे सीमित कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से पैसेंजर्स की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल नल है। कोई अच्छा लाइट रनवे बहुत घटिया है। यहाँ पे बस दरभंगा एयरपोर्ट एक ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें एक लॉलीपॉप चुसा दिया है और ये दरभंगिया लोग उसमें खुश हैं। खैर, हमें क्या लेना देना। लेकिन जो लोग मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की दलील दे रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, वो लोग फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि देवघर में एयरपोर्ट है? होती है ना बात, जबकि यहाँ पे स्टेट 2 हो गया, बिहार और झारखंड 2 अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे स्टेट भी 1 है। फिर भी सबसे बड़ी बात कि अब रही बात कि भागलपुर में एयरपोर्ट जो है बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई क्या बोलता है उसे घंटा मतलब नहीं हमें।
देखिए भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा, भले आज ना बने लेकिन कल बनेगा, भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। हाँ, जितना जल्दी बन जाए उतना ज़्यादा भागलपुर सेफ जोन में चला जाएगा। हो सकती है एयरपोर्ट के कारण कुछ चीज़ें भागलपुर से स्थानांतरित हो जाए दूसरे शहरों में, वो होने से बच जाएगा, लेकिन भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा ज़रूर। एम्स तो नहीं बनेगा, ये बात जान लीजिए, एयरपोर्ट ज़रूर बनेगा भागलपुर में। दूसरी बात कि पूर्णिया एयरपोर्ट की जो लोग दलील दे रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इससे भागलपुर एयरपोर्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं। हम लोग अपना कारण गिनवाएंगे सरकार को कि भागलपुर एयरपोर्ट क्यों बनना चाहिए, और भागलपुर एयरपोर्ट को जब उड़ान स्कीम में शामिल किया गया है तो भागलपुर एयरपोर्ट तो बनेगा। अब इसे अगर कोई अड़ंगा लगाकर, कोई अड़चन लगाकर कोई रोक रहा है तो फिर ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात है कि यहाँ पर से दरभंगा, गया, पटना, बागडोरा, ये चारों एयरपोर्ट जो है, ये सारे के सारे एयरपोर्ट लगभग 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एयरपोर्ट बनना एकदम आवश्यक है। उसके बाद फिर जो लोग पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि किशनगंज में एयरपोर्ट बनाया जाए। इससे क्या होगा कि किशनगंज में एयरपोर्ट बनने के साथ ही एक फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट जो है, ईस्ट फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बिहार का, उसमें काफ़ी निवेश आएगा, क्योंकि वहाँ पे बिहार का एक अकेला डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, जहाँ पे कि चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये हो जाएगा भागलपुर में एयरपोर्ट बनने के साथ ही पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, आपका फिर ये जमुई और गोड्डा, देवघर, ये सभी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन जो लोग इस तरीके की दलील देते हैं उल्टा पुल्टा, जो मैथिल्स, मतलब ये लोगों की कितनी घटिया सोच है, आप लोग ये देखिए। अब बात रही कि रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में, तो रक्सौल एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इससे भी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमें किसी एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट नहीं चाहिए कि रक्सौल एयरपोर्ट के बदले हमें भागलपुर एयरपोर्ट दे दो, क्योंकि रक्सौल छोटा शहर है, तुरंत ख़त्म हो जाता है, हमें पूर्णिया एयरपोर्ट के बदले भागलपुर एयरपोर्ट दो, पूर्णिया से ज़्यादा डेवलप है भागलपुर, ये सब तर्क हमें देना ही नहीं। हमें क्या मतलब है पूर्णिया एयरपोर्ट या रक्सौल एयरपोर्ट से। ये बात वास्तव में सही है कि रक्सौल झाँट भर का शहर है, उतना बड़ा शहर नहीं है, वहाँ पर एयरपोर्ट यदि दिया भी जाए तो बहुत बहुत नल वहाँ पर शहर नहीं होगी, ऑटोमेटिक सरकार को बंद करना पड़ेगा। लेकिन सिंधिया जी ने देखा कि अब कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट, बिहार का मैप उठाया होगा उन्होंने, और वैसे भी वो लोग एमपी ग्वालियर साइड के हैं, ये लोग तो शुरुआत से ही घुसखोर और धोखेबाज रहे। इन्हीं 4-5 घरानों के कारण एमपी का सबसे बड़ा रोल था भारत को गुलाम बनवाने में। इंदौर हो गया, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ये सब सबसे बड़े धोखेबाज थे जिन्होंने अंग्रेज़ से सबसे पहले हाथ मिला लिया था। इन्होंने बस बिहार का नक्शा उठाया होगा, देखा होगा कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट मिलने से सारी जगह कनेक्टिविटी हो जाए। इन्हें घंटा नहीं पता है कि कहाँ का एयरपोर्ट, कहाँ कौन सा शहर किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क्या है, नहीं है। जो शहर डिजर्विंग एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट का, जिस शहर में एयरपोर्ट नहीं मिलने से उस शहर की छवि ख़राब हो सकती है, उस शहर का विकास रुक सकता है, उस शहर में पहले एयरपोर्ट देना चाहिए ना। उस शहर में एयरपोर्ट दे करके कम से कम उस शहर को ना आप बढ़ाइए, कम से कम उसके उसी लेवल पर तो रहने दीजिए। भागलपुर अभी पटना के बाद सबसे बड़ा दूसरा शहर है, गया को ओवरटेक कर चुका है, या कुछ समय में या फिर बराबर में है, ऐसा नहीं है कि तीसरे नंबर पे। डाटा पे आप लोग मत जाइए, ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए भागलपुर और गया को। तो फिर भागलपुर में एयरपोर्ट होना अति आवश्यक है, भागलपुर में एयरपोर्ट है ही नहीं। जो और सब ज़िले हैं जो कि एक समय भागलपुर के ही अंग थे, पूर्णिया क्या था, भागलपुर का ही एक पहले सब डिवीज़न था, सुपौल क्या था, पूर्णिया का ही सब डिवीज़न था, सहरसा क्या था, भागलपुर का ही एक सब डिवीज़न एक पार्ट था, मुंगेर क्या था, भागलपुर का ही एक पार्ट था, ये देवघर ओघर क्या था, सब भागलपुर का ही एक पार्ट था, यहाँ तक कि मालदा भी भागलपुर का पार्ट था, दार्जिलिंग भी भागलपुर का पार्ट था। लेकिन इतने बड़े ज़िले में एयरपोर्ट ना दे करके ये रक्सौल में, तो पूर्णिया में, तो मुजफ्फरपुर में कोई मतलब ही नहीं है। मेरे हिसाब से दरभंगा एयरपोर्ट को मुजफ्फरपुर शिफ्ट करना चाहिए, दरभंगा एयरपोर्ट को एयरफोर्स के लिए रहने देना चाहिए, और या फिर अगर सरकार चाहे तो उसे भी कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन दरभंगा से ज़्यादा फ़ायदा मुजफ्फरपुर से होगा सरकार को।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।